बिहार। मेरा नाम सोमा देवी है, परसुड़ी सारजामदा से मैं जिला प्रत्याशी 0 संख्या 6 के लिए खड़ी हुई हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह संख्या 8 ईटा से। यहाँ बहुत है, नाली, रोड, नल, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब बहुत सारी समस्या है और उसको ही लेके चल रही हूँ। मेरा मुद्दा है उन सबको। क्यों आपको वोट दे गई आगे? यहाँ की जनता पहले भी मेरे पर बहुत कुछ के लिए विश्वास कर चुकी है और उनको विश्वास को देखते हुए वो जनता मेरे को यहाँ लेके आई है, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। क्या क्या काम किए हैं? इससे पहले मैं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत काम कर चुकी हूँ 3-4 साल से, जो बहुत सारी महिलाएं मुझे अच्छी तरह से जानती हैं कि मैंने उनके लिए क्या किया है और इनका विश्वास है कि मैं इनके लिए आगे क्या करूंगी, ये भी जानती हैं। आप जिस रोड में चल रही हो, रोड का दर्शन किए हैं? दर्शन हम किए हैं। आप कितना साल से? हम तो कर रहे हैं सर, हम शादी होके आए तो उसके बाद तो यही स्थिति। कितना साल हो गया शादी होके? 17 साल आज पूरा हो गया। 17 साल के बाद बिना रोड नहीं बना? नहीं बना है। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना ये पिछले प्रत्याशी से आप पूछ सकते हैं, मैं जैसे पूछ के कोई। आपने इसके लिए आंदोलन किया? आंदोलन तो बहुत बार हुआ है, हम नहीं किए हैं लेकिन बाकी सब तो किया है। जब उनके आंदोलन काम नहीं आया तो आज हम महिला जनसंख्या को लेके निकले हैं। इसके बाद क्या काम कीजिएगा? जीतिएगा तो सबसे पहले? इसके बाद सबसे पहले तो अपने एरिया को देख रहे हैं, जहाँ जितना बहुत सारे एरिया जो घूम चुके हैं वहाँ बहुत सारी परेशानी है। सबसे पहले उन सब परेशानी को थोड़ा थोड़ा दूर करने के लिए, जो घर बैठी महिला है उनको रोजगार चाहिए, हर किसी को रोजगार चाहिए। तो महिला शक्तिकरण के लिए जो हम काम कर रहे थे उसमें और बढ़ चढ़ के काम करें और उनके पास हम उपलब्ध करा सके लघु उद्योग वगैरह, जो अपने पैर पे साक्षर रूप से खड़ी हो सके और कुछ कर पाए। ओल्ड एज के लिए क्या करेंगे? ओल्ड एज के लिए वृद्धा पेंशन वगैरह हम पहले भी करा चुके हैं, अब हम बहुत नहीं करा पा रहे हैं, इसके लिए चाहेंगे कि और मेरे को सुविधा मिले, उसको हम बहुत बेहतर तरीके से कर पाए। ये तो बहुत पुराना चीज हो गया कि आप बार बार किसी को पेंशन दिलाना। ओल्ड एज के लिए तो बहुत सा चीज आती है, उस पर आप क्या क्या दिलाएंगे? ओल्ड एज के तौर पे जो सरकार से जो भी उपलब्ध होगा हम उसको करवाने का कोशिश करेंगे। मैडम यहाँ पर ट्रेवल भी बहुत रहते हैं, उसका वोट क्यों दे, आपको क्यों मिले इस चीज के लिए? क्या बोले, क्योंकि जनता हमको जब यहाँ लेके आई है तो जनता पे डिपेंड करता है कि वो वोट मुझे क्यों दे। क्या जनता आपको पास गए थे सब? जी हाँ। निर्विरोध क्या नहीं हो गए आपका? और आपको जनता लेके फिर इतना कंपटीशन क्यों है? देखिए अब वो तो कंपटीशन का बात नहीं है। नहीं, अगर आप बोल रहे हैं जनता लेके आए हैं तो आपको तो निर्विरोध चुनाव चिन्ह हो जाने चाहिए। नहीं भैया, जरूरी नहीं है तो फिर मजा कैसे आएगा मैदान में? इसलिए हम लोग सब जब प्रत्याशी खड़े हुए हैं अपने अपने तौर पे जो भी काम किए हैं, जनता किसके दिल में किसको बसाई हुई है जनता जान रही है, तो बस जनता के दिल से और दिमाग से हम हैं तो हमको ही देखना। क्षेत्र आपका बहुत काफी बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है। अभी तक कितने क्षेत्र में आप दौरा कर? हम सारे क्षेत्र में गए हैं, दौरा अभी हम बहुत कम क्षेत्र में कर पाए हैं। अकेले हम जहाँ तक है 5 क्षेत्र में गए हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ दौरा नहीं कर पाए लेकिन बहुत लोग से मिल के आ चुके हैं हम। अभी आप कितने खुश हैं ये चुनाव चिन्ह मिलने? ये चुनाव चिन्ह का बात नहीं सर, ये खुशी का बात नहीं। काम करने के बाद जो खुशी बनाना है वो उस समय क्या खुशी होगा, अभी कोई खुशी नहीं है। अभी जनता मेरी खुश है, हम आगे हैं, ये बेसिकली काम चल रहा है युवाओं के लिए, कोशिश करेंगे करने का। सरकार की तरफ से जो उपलब्ध होगा वो करवाएंगे।